Hello guys, welcome to Slow Polyglot. My name is Vishal and I am learning Japanese from 2 years. So, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मुझे एनिमे देखना है और बिना सबटाइटल्स के देखना है, विदाउट सबटाइटल्स. तो मुझे कितनी जापानी सीखने की जरूरत है, मुझे कितने वोकैबुलरी सीखने की जरूरत है, कितनी ग्रामर मुझे पता होनी चाहिए और कौन कौन सी चीजों को मुझे ध्यान में रखना चाहिए, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूं आपको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंग्वेज में क्या होता है, चार चीजें होती हैं बेसिक, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, जिसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं. अगर आप जापानीज में एनीमे देखना चाहते हो तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. अब इन दोनों चीजों में से सबसे ज्यादा जो आपको करनी चाहिए वो करनी चाहिए लिसनिंग. और लिसनिंग के लिए आपको कितनी वोकैब याद होनी चाहिए, बेसिकली जैपनीज में 5 लेवल्स होते हैं, ठीक है, N1, N2, N3, N4 एंड N5. तो आपको क्या करना चाहिए, अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं, जब मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किया था और अभी जब मैं विदाउट सबटाइटल्स के साथ एनिमे देखता हूं, तो उस टाइम मेरी जैपनीज का लेवल था N3. N5 सबसे बिगिनर होता है, फिर N4 एंड फिर N3. मतलब 3 लेवल आपको बहुत ही जरूरी करने ही पड़ेंगे. अगर आपने ये 3 लेवल कर लिए तो आप बिना सबटाइटल्स के एनिमे देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अपना एनिमे. एंड अगर आप N2 लेवल तक कर लिया ना, तो समझ लो कि खत्म है, इसके बाद आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा. बट फिर भी N3 में बेसिक लेवल लेके चल रहा हूं, जैसे कि आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा. अगर आप मुझे बोलते हो कि यार मैं तो सिर्फ लिसनिंग ही करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ सुनना है ना, ना ही मुझे बोलना है, ना ही लिखना है, ना ही पढ़ना है, तो उसको उस टाइम पे क्या करना चाहिए कि आप लिसनिंग तो कर लोगे. जैसे एक बच्चा लर्न करता है, कैसे करता है, वो सुनता ही है, सबसे पहले बहुत सुनता है, वो 1-2 साल तो सुनता है, फिर ट्राई करता है बोलने की जो उसे बताया जाता है. तो इस प्रोसेस में ना टाइम बहुत लगेगा, बहुत ज्यादा. जब आप सुन सुनकर एक चीज को लर्न करने की कोशिश करोगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है. अगर आप उसको लिख कर, पढ़ कर, बोल कर याद करोगे, तो 4 चीजें एक साथ कर रहे हो, तो उसको लर्न करने में टाइम कम लगेगा, क्योंकि आप 4 तरीके से उस एक ही चीज को याद कर रहे हो. तो सबसे बेहतर यही है कि आप लिसनिंग तो करो ही, बट उसके साथ साथ ये 4 चीजें भी करो. और हाँ, आपके लिए ये 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कौन सी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. इन 2 चीजों में तो आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. अगर N3 के बेसिस पे मैं बात करूं कि कितनी वोकैबुलरीज हैं, वो है 3000 के आसपास, और उससे भी जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है ना, वो सिर्फ 2000 है उसमें से, जो डेली जैपनीज में यूज होने वाली है, वो कुछ अलग वोकैबुलरीज होती हैं, तो वो एक लिमिटेड नंबर में होती हैं. तो अगर आप 2000 टू 2500 के आसपास वोकैबुलरी लर्न कर लेते हो तो इनफ है, आई थिंक आपको समझ आ जाएगा. और आपको ज्यादा ग्रामर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ N3 तक ही ग्रामर करने की जरूरत है. और उसमें अगर ग्रामर के बारे में मैं आपको बताऊं, तो अप्रोक्सीमेटली 100 to 150 तक आपके ना ग्रामर पैटर्न्स होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए, और वो बहुत ही इजी होते हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं होते. ये तो मैं आपको बहुत ही कम बता रहा हूं. अगर इस लेवल तक, जैसे आपको 2500 तक आपकी वोकैबुलरी एंड 150 तक आपकी ग्रामर पैटर्न्स कवर हो जाए, तो आई थिंक एनिमे आप बिना सबटाइटल्स के देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने अभी N2 कर रखा है, N2 की तैयारी मेरी फुल है, और मैं अभी एनिमे को बिना सबटाइटल्स के देख पाता हूं. बट फिर भी मुझे अब आदत पड़ चुकी है कि मैं सबटाइटल्स के साथ देखता हूं, फिर मैं उसी चीज को रिवर्स में यूज करता हूं जैपनीज लर्न करने के लिए. क्यों? क्योंकि जब वो डायलॉग्स बोलेंगे, तब आपको अगर उस डायलॉग को समझ आ रहा है, उसको इंग्लिश में देखना है, तो आप नीचे देख सकते हो. मतलब आप जैपनीज के साथ इंग्लिश लर्न करना स्टार्ट कर देते हो, ऐसा हो जाता है. तो अभी मैं जैपनीज को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना, मैं ये सीख रहा हूं, ना कि इंग्लिश को जैपनीज में कन्वर्ट करना.
ये थी एक शॉर्ट वीडियो कि आप अगर एनीमे देखना चाहते हो तो कितना हद तक आपको जैपनीज को लर्न करना पड़ेगा। तो बिलीव मी, अगर आप N4 लेवल, जैसे N5 एंड N4 लेवल भी कर लेते हो ना, तो ये भी बहुत ही वैल्यूएबल होगा आपके लिए कि आप समझ पाओगे जैपनीज कैसे बोली जाती है एंड उसको आप लिसनिंग में बहुत आराम से सुन पाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आता रहूंगा आपके लिए एक ऐसी ऐसी नई वीडियोस को लेके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।